आज 21 जून हा आंतरराष्ट्रीय योग दिवस म्हणून जगभरात साजरा केला जातोय आणि त्याच औचित्य साधत पंतप्रधान मोदी यांनी आज रांची येथील मैदानात सुमारे 30,000 लोकांसोबत योग दिन साजरा केला. रांची येथील प्रभात तारा मैदानावर योग शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं. फक्त रांचीच नाही तर देशभरातले कोट्यवधी लोक आज योगा दिनानिमित्त योगासने करत आहेत. योगामुळे गरिबी दूर होण्यास मदत होईल ही आधुनिक योगाची यात्रा ग्रामीण आणि आदिवासी भागात पोहोचली नाही. ही आधुनिक योगाची यात्रा शहरांपासून गावांमध्ये शेवटच्या घटकांपर्यंत न्यायची आहे. गरीब आणि आदिवासी पर्यंत योग पोहोचवायचे आहेत असं मोदी यांनी यावेळी म्हटलं. रांची येथील प्रभात तारा मैदानावर पंतप्रधान मोदी योगासनं करणार असल्यानं या ठिकाणी कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है. यहाँ झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है. लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी. अब मुझे और हम सबको मिल करके आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है. गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है. मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है. ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है. इसलिए ऐसे समय में जब देश में गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है, योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं. उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना. साथियों, सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है. दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी MKN चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन दाबा. ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहत रहा फक्त MKN, प्रतिबिंब वास्तवतेचं.